रुड़की की कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कलियर पुलिस ने एक ढाबे पर छापा मारकर 3 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने नशीले पदार्थ को बेचने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कलियर क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा नशे का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों जायरीन आते जाते रहते हैं। आसपास के क्षेत्र में देश के कई राज्यों से आए लोगों ने यहीं अपना ठिकाना बना लिया है। इसी कारण यहाँ पर नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। कलियर थाना इंचार्ज प्रमोद कुमार ने जब से कलियर थाने की कमान संभाली है तभी से वो लगातार नशे के सौदागरों पर नकेल कसने का प्रयास करते रहे हैं। आजकल उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने सूचना मिलने पर अपनी टीम के साथ एक ढाबे पर छापेमारी की और 3 किलो डोडा पाउडर के साथ नशे के सौदागर को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में आज राहुल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शकील भाई, लगभग 3.5 किलो डोडा बरामद हुआ जिसकी कीमत 30 से 40 हज़ार रुपये के करीब है। ये राहुल वहाँ नशे के व्यापार करने में सरगना के रूप में उठा रहा था। इसने अपने नीचे कई लोगों को काम के लिए लगा रखा है जो कि स्कूल में और आसपास की जगहों पर यात्रियों को ये नशा देते हैं और उस नशे का आदि बनाते हैं। पुलिस के पास बहुत दिनों से इसकी सूचना थी और आज इस डोडे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया। इसके और साथियों की इससे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग पहले से आइडेंटिफाई हैं, उन्हें जरूर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग काम कर रहे थे सर इसके नीचे? अभी तक इससे पूछताछ से इसने 7 लोग इसके अंदर काम करते थे ये बताया, जिसमें कि ये उन लड़कों को पर डे के हिसाब से दिहाड़ी पर रखा हुआ था। उससे पूछताछ की जा रही है वो कहाँ के रहने वाले लोग हैं और कहाँ रहते हैं, उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए।